खुले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने एक बार सुन के देख लिया, अब आप लोग भी देख लो ये। अब मैं इनमें HF लगवा रहा हूँ और अब टोटल बात करते हैं खर्चा कितना आया। तो इतने दिन से आपके ब्लॉग वाले भैया जो थे ना, वो लगे थे अपने काम में। कहाँ लगे थे वीडियो में देख लेना, बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आगे। क्या हुआ, हम लोग गए प्लाईवुड खरीदने। अब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या प्लाईवुड खरीदूं, कितने इंच का खरीदूं, कितने mm का खरीदूं, क्या साइज लूं, क्या नाप लूं। तो मेरे को 2 घंटे सिर्फ वो प्लाईवुड वाले भैया के यहाँ पे लग गए प्लाई डिसाइड करने में कि कौन सी अपने स्पीकर्स के लिए, अपने DJ सेटअप के लिए। तो मैंने डिसाइड करा कलर प्लस का प्लाई, जो कोई मेरे को 1500 रुपए का लगभग समथिंग पड़ा। फिर एक्स्ट्रा वो और लाना पड़ा मेरे को, तो मेरे को 2000 रुपए का प्लाई पड़ा कलर प्लस नहीं, फिर उससे अच्छी क्वालिटी में लेके आया था। और 12 mm की प्लाई लेके आया था, तो टोटल में लेके आया था एक 8x4 की शीट लेके आया था और एक 3x3 की शीट लेके आया था, छोटी शीट। तो ये मेरे को दोनों में लाके 2000 रुपए की प्लाई पड़ गई। तो मैंने को इसको कटिंग करा, तो आप इस वीडियो को देख लो। 90% सेटअप बन गया था, उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे। तो आप पहले वीडियो देख लो, फिर मिलते हैं हम आपको। गाइज, जो DJ का सेटअप है ना, उसको हम लोग छत पे और खुले में रख के चेक कर रहे हैं कि कैसा क्या साउंड क्वालिटी और क्लियरिटी आती है। आ गए हम छत पे, यहाँ रखवा दिए थे हमने DJ के ये बॉक्स, गाइज यहाँ पे रख लिए थे। खुले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने एक बार सुन के देख लिया, अब आप लोग भी देख लो। ये एम्पलीफायर यही रखा है अपना, और कनेक्शन अपन ने कर लिए थे। फुल पे चल रही, बिल्कुल फुल, मशीन के अंदर से तक आवाज आ रही है। काफी अच्छी है, क्लियर है। टेस्टिंग वगैरह तो हो चुकी थी, अब हम लोग इसको नीचे निकाल के लेके रख दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको और भी काम है, अब इनको रखते हैं। अगर आपको ये रेंट पे चाहिए हो तो बिल्कुल हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको बिल्कुल रेंट पे ही चलाएंगे। और अगर आपको ये बाय ही करना है तो वो भी बता सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डली है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक ब्लॉग वाले भैया नाम से एक आईडी होगी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब स्पीकर की प्लाई तो कट गई, भाई साहब ने हमसे 200 रुपए भी ले लिए, जो गोल काटने वाले भैया हैं उन्होंने। अब टेस्टिंग कर रहे हैं हम, देख लो आप, टेस्टिंग हमने करी। बस सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी कि अब हमारा हाथ भी कट चुका था। अब हाथ कैसे कट गया था उसके बारे में भी डिटेल दे देते हैं। तो गाइस क्या है ना, मेरे पास कटर नहीं था, बट कॉमर्स वालों को जानते ही हो कितने बड़े जुगाड़ू होते हैं। मैं कोई साइंस से नहीं, मैं कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन साइंस। तो मेरे पास था ग्राइंडर और ड्रिल मशीन, तो मैंने क्या करा, ग्राइंडर में कटर फंसाया लकड़ी काटने वाला, लेकिन गलती यहाँ पे कर दी, उसके ऊपर गार्ड नहीं लगाया। गार्ड मतलब एक ढक्कन रहता है जो कवर करता है डस्ट एक्स्ट्रा जो अपनी तरफ ना आए वो, और अगर आपका हाथ कहीं टच ना हो जाए वो गार्ड था नहीं। ग्राइंडर एकदम से उचट के मेरी ऐसी सीधा उंगली में लगा, जो पूरी मेरी उंगली फट गई, करीब इतनी बड़ी उंगली रहती ना कि पूरी सामने यहाँ से लेके यहाँ तक फट गई, खून की धार लग गई। अब घर वाले घबरा गए कि लड़का कर क्या था, हो क्या गया। घर वालों को मना कर रहे थे कि बेसिकली मत कर, तू ये फालतू के काम, ये अपन करवा लेंगे कहीं बाहर, बट नहीं, अपन तो कॉमर्स वाले इंजीनियर हैं, मानने कहाँ वाले। खैर ठीक है, ये सब हो गया, अब क्या करें। तो फिर कुछ नहीं, शाम को गया हॉस्पिटल, लगवाया स्टिचेस और आ गया। अब स्पीकर का काम भी करना था और स्टिचेस के साथ भी करना था। अब एक हाथ था अपने पास, एक हाथ तो गुजर चुका था यही मान लो, तो वैसे अभी ठीक हो गया है, बस मैंने पट्टी इसलिए लगा के रखी कहीं टच ना हो जाए। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, मतलब राहुल को बुलाया, वो मेरे कजन लगता है, तो उसको बुलाया। फिर उसने मेरी बहुत हेल्प करी, उसने प्लाई वगैरह पकड़ी, मैंने काटी, क्योंकि उसको मैं मशीन दे नहीं सकता था, क्योंकि वो मशीन उससे संभलती नहीं,
बस ऐसे ऐसे हम लोग ने सेटअप करा, फिर उसके बाद एपी क्लिप देख लो। गाइस फाइनली अब मैं इनमें HF लगवा रहा हूँ, मतलब ये वाला जो बॉक्स है इसमें इसकी खुलाई चालू हो चुकी है, इसको खोल रहे हैं हम लोग। और HF की प्लेट की अगर बात करूं तो मेरे को ये वाली मिली है मेरे मार्केट में, क्योंकि यही वाली मिल रही थी मेरे को स्पीकर्स के लिए, और जो बड़ी वाली थी वो सिर्फ HF के लिए मिल रही थी। इसमें आप देख सकते हो वूफर, ट्विटर, कॉमन और इनपुट है। तो इसको खोल रहे हैं, दो स्क्रू यहाँ पे थे, बाकी सारे इतने सारे निकाल लिए, बस इस जाली को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो और अभी एक पे हम लोग सब कुछ चला के देख रहे थे और इसका इतना लाजवाब परफॉर्मेंस निकला ना, जिसमें मजा आ गया। अभी एक में दो लगेंगी, ये नेक्स्ट डे। और नेटवर्क प्लेट और ट्विटर लगा रहे थे, वो काम हो चुका है, तो इसमें लग चुके थे। अभी मैं प्ले करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि काफ़ी तेज बजते हैं, हाई साउंड पे जब उसका मज़ा आता है, कम आवाज़ में रूम में भी गूंजता नहीं है ढंग से, मतलब वाइब्रेशन देता है। खैर और अगेन मेरा रूम पूरा भरा पड़ा है, मैसी हो रखा है। ये कंप्यूटर टेबल देख लो, ये मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था किसी टाइम पे। ये देख लो, ये अलमीरा देख लो, ये वॉल वाली अलमीरा है। ये DJ का सेटअप रखे हुए हैं, वो पड़ा है जो मैंने पहले बनाया था, ये वाला होम थिएटर। और मेरी उंगली अभी काफ़ी ठीक है, मैंने क्रीम लगा रखी है जिसमें मॉइस्चराइजिंग रहे। ये फोल्डिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है, मुड़ नहीं रही है इधर से, मतलब इतनी जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ रही है, धीरे धीरे होगा ठीक। लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला, तो लेफ्ट में इस साइड को ट्विटर प्लेस करा है और राइट में इस साइड को ट्विटर प्लेस करा है। सेंटर में हम लोग ने HF वो हाई फ्रिक्वेंसी वाला ट्विटर यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक वो सॉकेट करना पड़ता, मतलब जुगाड़ करना पड़ता है सॉकेट का। और हम लोग ने जिस तरीके से एंगल में वो वूफर लगाया तो उसमें जगह भी नहीं थी, जिस करके हम लोगों को यहाँ प्लेस करना पड़ा। इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। अब हमारे DJ के सेटअप तो बन गए, अब बस ही रही बात गोल काटने की। अब हमारे पास जिग्सॉ मशीन नहीं, कटर से तो हम लोग ने सीधी सीधी काट ली, ठोक ली, अब गोल कहाँ कटवाने जाए। तो उन्होंने 200 रुपए लिए चार के पर पीस, 50 रुपए तो खैर चलो वो भी है, अब कट गई, अब कट तो गई, अब उसका सामान लेने जाना है, जाली वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो कौन लेके आए। तो फिर हम लोग गए जबलपुर, और अब टोटल बात करते हैं खर्चा कितना आया। सबसे पहले प्लाईवुड पड़ी मेरे को 2000 रुपए की, स्पीकर पड़े मेरे को 2400 रुपए के, सॉरी 10 इंच का एक स्पीकर है मेरे को 650 रुपए का पड़ रहा था, तो मैं डील करके 600 रुपए का पर स्पीकर लेके आया, तो चार स्पीकर लेके आया तो मेरे को 2400 रुपए के पड़े। 100 रुपीज की वायर लेके आया मैं, कटिंग हुई 200 रुपए की, फेविकॉल लगा मेरे को 100 रुपए का, कम ही लगा क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा वो RR की लेज उसका ज्यादा उपयोग करा, क्योंकि वो किफायती, मतलब 100 रुपए का पूरा पाउडर ले आओ तो उसमें 10-15 किलो आप ले ही बना लोगे, तो मजबूती तो वही रहने वाली। और इसमें जो ब्लैंकेट था, मतलब जो बाहर का कंबल लगता है ना काले कलर का कपड़ा, मेरे को पड़ा 3 मीटर, उसका साइज था 6 फुट उसकी चौड़ाई थी और 3 मीटर उसकी लंबाई थी, तो 3 मीटर में आप फुट हिसाब से लगा लेना, तो मेरे को पड़ा 360 रुपए का, ठीक है। और जो जाली होती है वो मेरे को 1000 रुपए का जोड़ा पड़ा, 500 रुपए की एक पड़ी, बट फिर भी वो फिटिंग की नहीं आई, तो मैंने उसको भी फिटिंग कराई, तो उसमें लगे 100 रुपए, तो मेरे को 1100 रुपए की जाली पड़ी विद फिटिंग, ठीक है ना। 150 रुपीज का वायर पड़ा मेरे को, हाई क्वालिटी का वायर जो कि स्पीकर्स के अंदर से बाहर तक लाए, फिर स्पीकर के बाहर से एम्पलीफायर तक दूसरा वायर लगा, तो वो पहले ही बता दिया था। जिप्सन पेच लगे मेरे को उसमें 250 रुपए के, इसमें जो निडल है, कील है, जितनी भी टाइप की खिलियां है, कील वगैरह है, पेच है, वो सब कुछ 250 रुपए के आए, मिला के दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो जिस तरीके से भी आया था मैं ले आया था, इंच के हिसाब से चलता है वो, तो 250 रुपए को मेरे को पेच पड़ गए। अब मेन चीज की बात कर ले तो एम्पलीफायर में मैंने बहुत सोचा कि 300 वॉट ले लूं, 250 वॉट ले लूं, या 120 वॉट ले लूं, या 100 वॉट या 90 वॉट ले लूं। तो पहले मैं राहुल का लेके आया था, वो था 4000 वाट का, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो मशीन ओवरलोड बहुत ज्यादा हो रही थी, तो उस करके अब वो दूसरे का, भैया मेरे को तो खुद का लाना पड़ेगा अगर DJ सेटअप चलाना है। तो हम लोग पहुंच गए जबलपुर, ले आए 120 वॉट का नेशनल का, बट इतना पावरफुल है कि मेरे स्पीकर्स की वाट लगाए गए, तो मेरे को वो पड़ा 6000 रुपए का 120 वॉट का नेशनल का DPA 1100 उसका मॉडल नंबर है, नेशनल बाय मेहता, तो वो मेरे 6000 का।
अब JBL के जाली तो ले आए थे, अब स्टिकर नहीं लाए थे, तो 20 रुपए के स्टिकर लेके आया मैं। दो वुडन वीट, जो कि लकड़ी की वीट होती है जिसके अंदर एयर लीक ना हो प्लाई के अंदर, इस तरीके से लगाई है चारों तरफ, तो वो मेरे को 4 रुपए 36 फुट वीट लेके आया था, तो वो 150 रुपए की लगभग मेरे को पड़ गई। और अंदर का जो एक फॉर्म रहती है जिसको ग्लास होल बोलते हैं, वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, तो वुल मेरे को उसका, अगर आपको पास पहले से है तो उसका खर्चा 350 रुपए है, तो इसमें मैंने इंक्लूड करा है क्योंकि वो भी मेरी जेब से ही गया है, बट मेरे पास पहले से था तो मैंने लगा दिए, मेरे पास रखा हुआ था, तो वो 350 रुपए का मेरे को पड़ा था जब मैं लेके आया था। और इसमें जो लेबर हम लोग ने ऐड करी है वो है 3000 रुपए, क्योंकि इतना मेहनत, इतना मतलब फोर्स लगता है ना इसको, बारीक से बारीक चीज देखने में लगता है ना, 3000 रुपए इसमें लेबर है। अगर हम लेबर ना ऐड करें तो हमारा जो टोटल बिल बैठ रहा है वो 13000 रुपए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 10-5 रुपए, तो 13000 रुपए हमारा बैठ रहा है विदाउट लेबर। अगर हम लेबर इंक्लूड कर दें तो ये बैठ जाएगा 16000 रुपए। ठीक है, तो ये था इसका वो, और बस इस वीडियो में आगे आप बने रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे डीजे का सेटअप बनवाना है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग वाले भैया के नाम से एक आईडी दी हुई है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं इनको रेंट पे चलाने वाला हूँ, क्वालिटी आपने देखी ली है कैसी, अगर आपको फिर भी क्वालिटी समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, बट एक बार ईयरफोन लगा के सुनिएगा जरूर, ईयरफोन में जो क्वालिटी आती है ना वो आपके फोन के स्पीकर में नहीं आ पाएगी। तो अगर आपको बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम सेटअप बनवाना है या खुद बनाना है, अगर बनवाना है तो आप मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं, मैं आपके लिए बनवा दूंगा बिल्कुल। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गाँव में भैया को। मैं नई वीडियो बाय गाइस।